Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपने जिन जिन छह पेशेंट को इंजेक्शन लगाए थे वो छह के छह मर गए हैं। This is a police case. प्लीज तू मुझे माफ कर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर। अबू, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इस तरह हम उन्हें जेल में तो नहीं रहने दे सकते ना। जांगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस मामले से दूर रहो और तुम बार बार इस टॉपिक को ले आते हो। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इस घर में वक्त गुजारा है, हमारा कोई ताल्लुक है उनके साथ। कोई ताल्लुक नहीं उसका हमारे साथ, और तुम भी उसके बारे में सोचना और फिक्र करना छोड़ दो। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? वहां मेहताब परेशान है, मुसीबत में है, मैं उनके बारे में सोचूं भी ना, उनकी मदद करने की कोशिश भी ना करूं? अब ये नहीं हो सकता, आपको उनकी मदद करनी होगी। क्या करूं? ना मेरी उससे मुलाकात हुई है, ना मैं वहां मौजूद था, ना किसी ने मुझे मेहताब के बारे में बताया, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? वो हम उनके लिए अच्छा सा वकील तो करा सकते हैं ना, वो तो उनकी मदद करेगा। सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया, हॉस्पिटल से कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया। कहां मिलने नहीं आया? जेल में। हाँ? जेल में? जब मैं उन्हें जेल में मिलने गया था वो रो रही थी, बहुत परेशान थी, कह रही थी उन्हें डर लग रहा है, उनका दम घुट रहा है, ये कि शायद उन्हें सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। तुम उससे मिलने के लिए जेल में गए थे? जहांगीर, मैंने तुम्हें कितनी सख्ती से कहा कि तुम इस केस से दूर रहो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ अबू, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है। तो किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकती अबू, किसी की जान क्या लेंगी वो? उसने ऐसा कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने पुलिस वालों से कोई बात तो नहीं? नहीं। अच्छा क्या जहांगीर, तुम इस मामले से दूर रहो, अगर किसी ने भी मेहताब की मदद करने की कोशिश की तो पुलिस उस पर शक करेगी, इल्जाम उस पर आएगा। इसका मतलब है कि आप उनकी मदद नहीं करेंगे, आप चाहते हैं वो सारी जिंदगी जेल में रहें? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। जहांगीर, मेरी बात सुनो, रुको जहांगीर। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं मर जाऊंगी जानी।
मेरी तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रही। माँ के प्यार कैसे भूल सकूं? पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि माइनर है। डॉक्टर साहब, मुझे पता है ब्रेन हैमरेज है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। जहांगीर की हालत कैसी है? देखिए, उनका बीपी बहुत शूट अप हुआ हुआ है। हमारी पूरी कोशिश यह है कि पहले बीपी को नॉर्मलाइज किया जाए। असल में इस एज में इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई? नहीं, खुदा का शुक्र है कि इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई। वैसे मैंने उनको ऐसी मेडिसिन दे दी हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। होश में आया डॉक्टर? नहीं, वो अभी होश में नहीं है, इसीलिए उनको आईसीयू में रखा हुआ है। आप हौसला रखें, आप तो खुद डॉक्टर हैं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। थैंक यू, थैंक यू। माँ को भी कोई वकील नहीं मिला था ना, मेहताब की तरह। ये मेरा दीवानापन। तुम मेहताब हो ना? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जेल के कैदियों और रेल के मुसाफिरों को ज्यादा देर नहीं लगती एक दूसरे का नाम मालूम करने में। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम मेहताब है ना? जी। तो तुमने उन 6 लोगों को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मुझ पर इल्जाम है। इंजेक्शन में इंसुलिन मिली हुई थी, मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया है और वो लोग मर गए। ये बातें मुझे क्यों बता रही है? ये बातें तो पुलिस और वकील को बताने की हैं। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, सब यही कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया है उन लोगों को, मैंने मारा है उन लोगों को। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सोचो कि तुम्हें फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है, ये साजिश किसने की है? खड़े होके बात करें, मुझे नहीं मालूम
आपके लिए दूसरी नर्स से कहा है कि आप उसका यहाँ पे इंतजार करें। ठीक, यही इंतजार करते हैं। शुक्र भाई, बेहतर यही है कि आप बाहर जाकर इंतजार करें। शुक्र था, मुझे याद आ गया, वो शुक्र था। मैं जब वहां थी तो शुक्र वहां था और मैंने उसे कहा था कि तुम बाहर खड़े रहो, मेरे हाथ में इंजेक्शन थे, फिर मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई तो वो स्टोर में था। याद आ गया, वो शुक्र था। आ सुने, मुझे अदालत ले चले, मुझे याद आ गया, ये सब शुक्र ने किया। वो पत्ता नफ्सियाती मरीज है, पागल है वो, ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है। मुझे याद आ गया, वो शुक्र था, वो शुक्र था, ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है, वो शुक्र था। या अल्लाह, देख तेरा नाम है आखिरी का सोलह होगा, देख सको अब बहस नहीं करने का इतना। देख भाई मजीद, कुछ लोग रब को रिश्वत देते हैं हालात की सूरत में अपना दुख दूर करने, और कुछ लोग काले जादू का सहारा लेते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, और हमसे रियायत की भीख मांग रहे। तेरा रेट तो हर मुर्दे के साथ ही बढ़ता जा रहा है। तू भी तो हर मुर्दे के साथ रेट बढ़ाता रहता है। अगर मैंने रेट बढ़ा दिए पहली बार तो ऐसे क्या काम होता है? अबे जिन मुर्दों पे तू मोर लगाता है वो आसमान में पहुंच जाते नहीं पहुंचते? मेरे मुर्दे ये बेमानी नहीं करते, समझ गया तू? ये पैसे पकड़, पहले मुझे पूरे 20 दे, उठा इन ले। अरे यार तू ये पैसा भी ले ले, हमको नहीं चाहिए एक पैसा भी, और ये तावीज संभाल। शुक्र, शुक्र, खुदा के खौफ से डर, तुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दे इस काम को। देख मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे काम, छोड़ दे ऐसे लोगों का पीछा। तू क्यों नहीं समझता, मैं बर्बाद करके रख देगा तू। अल्लाह जा कुंडी लगा जाकर। क्या हालत बना ली है तूने जहांगीर अपनी। अरे सदके के साथ साथ तो मैंने अपने जहांगीर के लिए मन्नत मानी हुई है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कैसा है मेरा बेटा? है मेरा चांद कैसा है? के खोलो अम्मी। अम्मी। बेटा मैं तुम्हारा अब्बू। कैसी तबीयत है बेटा? मेरी माँ को भी कोई वकील नहीं मिला था ना, मेहताब की तरह। मेहताब करमजली से पीछा नहीं छोड़ता हमारा। करमजली तो मेरी माँ थी, इसीलिए चल गई। करमजलियों को सजा मिलती है मौत की से, इल्जाम साबित हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम सो जाओ, आराम करो। मैं सो नहीं सकता, तकलीफ होती है मुझे, आंखें बंद करता हूं तो
बहकता हुआ शोला नजर आता। आंखें खोलता हूँ, सलाह के पीछे महताब खड़ी नजर आती है। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ बेटा, तुरंत बस। चल सर दवा इसका, मुझे कहाँ पसा रही दवा मरी दवा इधर ही। घर यही है? हाँ यही है। बुलाओ से। जी क्या बात है साहब? ऐसा जो साहब ने बुलाया थाने तफ्तीश के लिए, चलो। अच्छा चलो चलो। उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको लेने गया था। अच्छा तो तुम रियाना के शौहर हो? जी मैं उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको वहां लेने गया। अबे 100 बार बोल चुका है तू, कितनी बार सुनो। वो तो कह रही थी कि जब वो स्टोर से आई तो तुम बाहर निकल रहे थे, क्या कर रहे थे वहां? साहब झूठ बोल रही साहब, झूठ। उसने तो मुझे पहले कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, जैसे ही मेरी बीवी आई है साहब मैं उसको लेकर अपने घर चला गया। पता नहीं साहब अपने गुनाह का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही है। अब हमने तो उसको सहारा दिया, अपने घर में रखा। वो तो कह रही कि तुम बुरी निगाह रखते हो। नहीं साहब, तुबा तुबा अल्लाह तुबा साहब। हाँ मैं तो उसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ। अब यकीन नहीं है तो पड़ोसी से पूछ ले, मेरी तबीयत के बारे में वो सही बताएंगे, या मेरी बीवी से पूछ ले। आज तक उसने कभी मुझसे शक नहीं किया। मैं गरीब आदमी, उसे अपने सारा दिन मूर्तों में पड़ा रहता हूँ। अपना जुर्म मुझ पर डाल रही है, अपने अंदाज मुझ पर रख के मुझे क्यों फंसवाना चाहती? कहिए कि मेरी माँ कसूरवार थी, और मैं जानता हूँ आप मेरी झूठी कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मेरा दीवानापन, मेरा दीवानापन। ये सारी आफतें तुम्हारे इस गंदे काम की वजह से आती हैं। जान छुड़ा लो इस काम से, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रेहाना रेहाना, मैंने मजीद को मना कर दिया है कि मैंने ये काम नहीं करना। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनसे जरूर तावीज लिया होगा। तुम ये काम कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। मैं चीख लूं चिल्ला लूं तुमसे नाराज हो जाऊं, लेकिन तुमने सिर्फ यही काम करना है और अपनी ही जिद पे कायम रहना है। कैसी बातें कर रही हो रेहाना है? अगर मैंने ये काम करना होता तो इतनी बहस क्यों करता तुमसे? भाई मैंने ये काम नहीं करना है। वैसे भी तुम भी नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं। हाँ कसम, कसम खाओ कि तुमने इससे मना कर दिया था। खा रहा हूं। मैं कसम खाता हूँ अपने काम की,
मैंने काम छोड़ दिया बस। अब ऐसे क्या दिख रही हो? मैं तुम्हें क्या मुर्दा लग रहा हूँ? तुम इस तरह बोलना भी छोड़ दो। तुम आखिर क्या ये मुर्दा 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 हर वक्त कोई और मिसाल नहीं दे सकते तुम? क्या तुम्हें पुलिस वालों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? अब अदालत बुलाएगी तो चला जाऊंगा यार। वैसे ये फंसाने की कोशिश कर रही है तुम्हारी दोस्त मैथा। ये हुई ना बात, अब सो जा। अबो, मैंने आपकी बात मानी ना, आप मेरी बात मानेंगे? हाँ कहो। मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? कौन से सवाल थे? आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? जवाब दीजिए अबू। बेटा देखो, इन्हीं बातों से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। मेरी कसम खाई अबू, क्या आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? देखो बेटा, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया, अब इससे कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप उन्हें कसूरवार समझते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। देखो बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने के बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें दुख हो, रंज हो। इसका मतलब है आप उन्हें कसूरवार समझते हैं? बेटा मैं क्या, सभी यही कहते थे। नहीं माँ, कसम खाई मेरी, मुझे मुझे बोलिए कि जहांगीर, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी, और उनका और तौसीक अंकल के बीच में कुछ था, बोलिए। देखो बेटा, जो कुछ हुआ सारी फैमिली के सामने हुआ, सबने देखा आती और तौसीक को, तुमने भी देखा होगा। हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो मैंने देखा वो सच था या मेरी नजर का धोखा। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा वो। अगर आप चाहते हैं मैं मुतमईन हूँ तो कसम खाइए मेरी, कहिए कि मेरी माँ कसूरवार थी, और मैं जानता हूँ आप मेरी झूठी कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपके लिए मेरी जिंदगी की बुकत है, बोलिए। का हाथ कांप रहा है वो। मेरा हाथ क्यों कांप? मैं कुछ झूठ बोला? फिर बोलिए, कसम खाई मेरी, कहिए कि तुम्हारी माँ कसूरवार थी। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी। मत सुनना मेरी ये झूठी कसम, तू मत सुनना, मुझे मेरा बेटा बख्श दो। मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, जाते वक्त ये लंच बॉक्स ले जाइएगा। ले जाऊं? जहांगीर को कब तक डिस्चार्ज करेंगे, कुछ बताया डॉक्टर ने? आज शाम तक शायद। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो, कोई मसला है क्या? निगत कल जहांगीर ने मुझे कसम देकर पूछा था कि क्या मैं अतिया को गलत समझता हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसके सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा दी। निगत मुझे डर लग रहा है, मैं एक के बाद एक गुनाह कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे उसके गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। नफीस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम ये सब कुछ मत करो। आखिर जहांगीर अतिया का ही बेटा है, वो कब तक अपनी माँ से नफरत कर सकता है?
एक ना एक दिन जरूर असल बात मालूम करने की कोशिश करेगा। जगत मुझे जहांगीरी का तो डर है, कल उसने कसम देखकर मुझसे झूठ बुलवाया, मैं कब तक झूठ बोलूंगा? अब ये झूठ तुम्हें सारी जिंदगी बोलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इसे सच मान लो और इसी पे कायम रहो। देखो मेहताब, अभी भी वक्त है, सच सच बता दो कि असल बात क्या है, वरना सजा से नहीं बच सकोगी तुम। जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि उन इंजेक्शन में इंसुलिन कहाँ से आई और ना ही मैंने लगाई। इंजेक्शन तो तुमने लगाए थे ना? जी, जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी वही लगाई। डॉक्टर ने क्या इंसुलिन लिख के दी थी उन्हें? नहीं, उनमें से कोई भी शुगर का पेशेंट नहीं था। तो फिर क्या जरूरत थी उन्हें इंसुलिन लगाने की? क्यों लगाई उन्हें इंसुलिन? मैंने नहीं दी इंसुलिन। मैं कितनी बार इस बात का जवाब दूं आपको? आवाज नीची करो। तुमने अगर इंसुलिन नहीं दी तो खुद ब खुद उनके जिस्म में पहुंच गई, और सिर्फ उन लोगों को जिनको तुमने इंजेक्शन लगाया था। ये तो आप लोगों का काम है ना ढूंढना कि किसने लगाई उन्हें इंसुलिन। ये भी तो हो सकता है कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा हो। क्यों फंसाना चाहेगा कोई तुम्हें? देखो, तुम्हारी मासूम बातों से पुलिस बेवकूफ नहीं बन सकती। और उन लोगों को मारकर मुझे क्या फायदा होगा? यही तो हम जानना चाहते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, ये सब शुकुर ने किया। उसकी पहले दिन से ही मुझ पे बुरी नजर थी और मैंने उसे जलील भी किया था, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो शुकुर को खामखाई बीच में ला रही हो। पुलिस उससे अच्छी तरह इंटरोगेट कर चुकी है, और अगर उसने तुमसे बदला लेना होता तो सिर्फ तुम्हें मारता। छह लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी उसे, और वैसे भी सब लोग गवाही दे चुके हैं कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, और तुमने वैसे भी उसे कमरे से निकाल दिया था। तुम्हें ये कार्रवाई जो करनी थी। नहीं, मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई थी, उसी दौरान उसने मिला दी होगी। मुझे बहुत जल्द सजा होने वाली है, कोर्ट में भी यही कहा गया कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है। ये मेरा दीवाना। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं। वो प्लीज, अब वो मेरी खातिर मदद कर दीजिए उनकी। तुम्हारी खातिर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। उनको सिर्फ एक वकील की जरूरत है, एक अच्छा सा वकील कर दीजिए बस। देखो, अगर मैं जहांगीर करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। वकील और कोर्ट की फीस इतनी है कि मैं अदा नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बंदोबस्त कीजिए ना पैसों का। इतने अरसे आपके साथ काम किया उन्होंने, कोई तो हमदर्दी होगी आपके दिल में उनके लिए। हमदर्दी? लेकिन हमदर्दी का क्या फायदा? मैंने तो सुना है कि अस्पताल वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट जमा करा दी है। अब जब उसके खिलाफ अस्पताल वाले केस कर रहे हैं तो कोई भी वकील उसका केस लेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, और अगर किसी वकील ने वो केस ले भी लिया तो उसको सजा से नहीं बचा पाएगा। कोई वकील चाहे बचा ना पाए, मैं मेहताब को जरूर बचाऊंगा। यही सोच सोच कर तुमने अपने आप को बीमार कर लिया, और डॉक्टर ने कहा है अपने जहन पे जोर मत डालो। आप कीजिए ना उनकी मदद, उनके बारे में सोचना छोड़ दूंगा। जहांगीर को मैं कैसे समझाऊं? हम इस मामले में बेबस हैं, हम अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब तुम इसे मेहताब की बदकिस्मती समझो या कुछ और, लेकिन उसका सजा से बचना नामुमकिन है। ऐसे मत कहिए, मत कहिए ऐसे। हमारे कहने या न कहने से किसी के किस्मतों के फैसले नहीं बदले जाते। बहुत देर हो चुकी जहांगीर,
मेहताब के नसीब में सजा लिखी जा चुकी है। जहांगीर रिलैक्स रिलैक्स। फिक्र मत करें मैडम, मैं वकील से मिल के आया हूं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कब हो गई जाएंगे, यहां पे सब लोग यही कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्द सजा होने वाली है। कोर्ट में भी यही कहा गया कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है, बस तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है जांगी। वो शकूर वो भी साफ होकर गया। उसने अगर ना गुनाह तस्लीम करना होता तो गुनाह करता ही क्यों? तुम उसे खुदा याद दिलाओ, खुदा का खौफ याद दिलाओ उसे, उसे कहो कि ये कहर ना करे, खुदा के अजाब को आवाज न दे, खुदा से डरे। छह अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाकयात को देखते हुए ये अदालत बेटा आराम से बात करो। नहीं, आराम से बात करूं? आप ये शादी नहीं करेंगे, अपनी माँ की मौत की कीमत पे शादी